हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मेरा नाम है यशवंत पाठक और आज हम लोग देखने वाले हैं दो बोर्ड्स, ऐसे बोर्ड्स जो सबसे ज़्यादा आईओटी और रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं। और आज हम इनके बीच का डिफरेंस भी जानेंगे कि कब आपको कौन सा बोर्ड कहां पर यूज़ करना है और दोनों बोर्ड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा नाम आपने सुने होंगे वो हैं, एक तो हमारा है आर्डुनो, ये आर्डुनो का उनो है, और ये है हमारा रेसबेरी पाई। जो मेरे पास अभी जो मॉडल है इसका नाम है रेसबेरी पाई 3B। अलग अलग रैम और अलग अलग प्रोसेसर के साथ ये बहुत सारे मॉडल्स में अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से अगर हम आर्डुनो को देखें तो आर्डुनो भी आपको अलग अलग मॉडल्स में मिल जाता है, जैसे कि आर्डुनो उनो, और ये देखिए ये है आर्डुनो नैनो। और अगर इसी का मैं अगर वाईफाई वर्जन देखूँ तो इन्हीं से मिलते जुलते बोर्ड और भी आते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा नोड MCU, ये इसके अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है, और ये है हमारा ESP32 कैम। तो इसमें आपको वाईफाई और माइक्रो SD कार्ड के सपोर्ट के साथ एक कैमरा मॉड्यूल भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो ये आर्डुनो नोड MCU और ESP32 ये सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो बोर्ड हमारे पास है रेसबेरी पाई ये बिल्कुल इन सबसे अलग है। तो हम जान लेते हैं कि इन सभी बोर्ड में और रेसबेरी पाई में बेसिक डिफरेंस क्या है और कब हमको कौन सा बोर्ड यूज़ करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्डुनो की। तो अगर हम आर्डुनो को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चिप आपको दिखाई देती है, ये जो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग आर्डुनो कहते हैं। बेसिकली आर्डुनो जो ओरिजिनल आर्डुनो आता है वो इटली का बना हुआ आता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपको एक DC इनपुट के लिए पिन मिल जाती है। यहाँ आपको आपका प्रोग्राम इसमें डालने के लिए आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, USB A पोर्ट जो कि आप प्रिंटर में यूज़ करते हैं वो वाला पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ आपको एक रीसेट स्विच और अलग अलग पिन्स आपको मिल जाती हैं, एनालॉग पिन्स और डिजिटल पिन्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपना सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो आपको इसमें डालना है, C का प्रोग्राम, उसको आप आर्डुनो जो ID है उसका यूज़ करके इसके अंदर आप इसमें USB के थ्रू डाल सकते हो। जैसे ही आप इसको पावर देंगे वो प्रोग्राम आपका रन होना चालू हो जाएगा। और इसमें अगर आप इनपुट हैं नहीं हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने जैसे ही इसको पावर दिया वो आपका प्रोग्राम आपका रन होना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा आर्डुनो का बोर्ड जो अधिकतर सभी जगह रोबोटिक्स में और कई जगह इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं रेसबेरी पाई में, रेसबेरी पाई में क्या क्या मिलता है आपको। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ मेरे वाला जो है बोर्ड, उसके अंदर आपको 4 USB पोर्ट दिए हुए हैं, एक इसके अंदर इथरनेट पोर्ट भी दिया हुआ है, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेंसर कनेक्ट करने के लिए आपको पिंस भी हैं, सेंसर या एडिशनल आपको बोर्ड कनेक्ट करना है, स्क्रीन भी कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पिंस दी हुई हैं। 2 इसके अंदर स्लॉट दिए हुए हैं, अगर आपको कोई कैमरा कनेक्ट करना है बस के थ्रू या कोई और भी डिवाइस बस के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्क्रीन आप छोटी स्क्रीन आप जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है उस टाइप की कोई स्क्रीन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके अंदर 2 बसेस दी हुई हैं, तो कैमरा और स्क्रीन दोनों आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसका आउटपुट मॉनिटर पर या TV पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है, और अगर हम देखेंगे तो 3.5 mm जैक भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। रैम और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ब्रॉडकॉम का CPU लगा हुआ है जो डुअल कोर है, और ये अभी 2 GB वेरिएंट वाला मॉडल मेरे पास है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्या है। देखिए अगर हम आर्डुनो की बात करें तो इसके अंदर आप जो प्रोग्राम अपना ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो जैसे ही आप इसको पावर देते हैं, ये पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर पर बेस्ड है, जैसे ही आप इसको पावर देते हैं ये काम करना अपना चालू कर देता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक पूरा का पूरा आप जो जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपने घर के कंप्यूटर से, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। हार्ड डिस्क के लिए क्या है इसमें, हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ आप सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर रैम भी है, सेकेंडरी स्टोरेज भी है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो सबसे पहले अगर जब हम इसको पावर देते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन चलाना है तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रेसबेरी पाई OS इसके अंदर दिया हुआ है जो कि लिनक्स के आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है, तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अब हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, तो जो सबसे मेन इसका यूज़ है, देखिए ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है, तो ऐसी जगह जहाँ पर आप पूरा का पूरा कंप्यूटर अपना नहीं इंस्टॉल कर सकते, अपना पूरा लैपटॉप किसी मशीन पर रोबोट पर नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन कारण है,
कि आपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको इस टाइप की जो पिंस हैं, एनालॉग पिंस, वो नहीं मिलती हैं, जिससे कि आप अपने उसमें कंप्यूटर में कोई भी सेंसर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी तो आपके पास सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट का ही ऑप्शन बचता है। लेकिन फिर भी अगर हम कंप्यूटर को देखें तो वो बहुत बड़ा होता है और दूसरा पावर कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर पर और 5 वोल्ट 1 एम्पियर पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है। मतलब 5 वाट का टोटल पावर चाहिए होता है इसको रन होने के लिए। जैसे ही इसको पावर मिलती है इसके अंदर कंप्यूटर आपका, ये आपका पावर, जैसे ही आप इसको पावर देते हैं तो फिर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है। जैसे तरीके से विंडो लोड होता है आप अपने लैपटॉप को चालू करते हैं, इसी प्रकार से इसमें जब भी आप पावर देंगे तो ये पहले आपका चालू होगा। उसके बाद आप इसमें माउस या कुछ भी कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो आपका प्रोग्राम इसके अंदर चलाना है वो आप चला सकते हैं, या साथ ही साथ कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आर्डुइनो की तो ये ऐसा नहीं है। ये हमको कहाँ यूज़ होना होता है कि आपके अंदर आपने एक प्रोग्राम बना दिया है, मान लीजिए कोई रोबोट है या कुछ भी है, कोई व्हीकल बनाया है आपने या कोई मॉड्यूल बनाया है, उसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा है, उसको आप प्रोग्राम को इसके अंदर डाल दिए, जैसे ही इसको पावर मिलेगी वो प्रोग्राम आपका रन होना चालू हो जाएगा और वो चलता रहेगा। इसके बाद आपको उससे कोई लेना देना नहीं, ये आपका चलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मल्टीपर्पज़ बहुत सारे काम करना है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड हो उसके बाद उसको मल्टीपल आपको एप्लीकेशंस रन करना है तो उस केस में हम लोग रसबेरी पाई का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि जब आपके पास कंप्यूटर का आपको रिप्लेसमेंट चाहिए एक छोटा, जिसमें आप बड़ा पूरा का पूरा कंप्यूटर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको छोटा कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको एक छोटी जगह पर यूज़ करना है तो उस केस में आप रसबेरी पाई यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पावर भी बहुत कम लगता है, सिर्फ 5 वोल्ट पर ये काम कर जाता है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर पर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर पर ये बहुत अच्छे से काम कर जाता है। तो पावर भी कम लगती है और दूसरा इसके साथ आपके साथ ये बहुत सारी पिंस हैं जिसमें आप अपने सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर में आप नहीं कर पाएंगे। और तो ये रहा दोनों में डिफरेंस जो था वो ये था। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ आपको रसबेरी पाई यूज़ करना है और कहाँ आपको आर्डुइनो यूज़ करना है। देखिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी सुनने में आती हैं, आज के समय में काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनका सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। रसबेरी पाई के और भी वीडियोस जो मैंने हैं वो अपनी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए, अगर आप देखना चाहें कि रसबेरी पाई से किस तरीके से आप मल्टीपल सेंसर्स को कनेक्ट करना चाह कर सकते हैं, उनकी रीडिंग कैसे ले सकते हैं, इसको किस तरीके से आप इसका इसका डिस्प्ले आप अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें अंदर, किस तरीके से आप कैमरा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, तो इन सभी के वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ऊपर से जो बटन है उसमें भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, तो वहाँ भी आप जाके इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आर्डुइनो से रिलेटेड भी बहुत से प्रोजेक्ट के वीडियोस मैंने अपने बना के डाले हैं, तो उनको भी जाके आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। और अगर आपको उनको बनाने में कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये था हमारे दो बेसिक बोर्ड्स का डिफरेंस। आने वाली वीडियो में वो और भी बोर्ड्स और अलग अलग सेंसर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन सेंसर्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी सेंसर्स का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।